नमस्कार दोस्तों, स्पेशल खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणवी सिंगर ममता शर्मा की हत्या का मामला सुलझ गया है। हत्या के आरोप में ममता के साथी कलाकार मोहित और उसके दोस्त संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी पंकज नैन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मोहित ने ममता की चाकू मारकर हत्या की थी। इसके बाद शव को फेंकने के लिए उसने अपने दोस्त संदीप की मदद ली। दोनों ने रोहतक के बनियानी में शव को गन्ने के खेत में डाल दिया और गाड़ी के खून के धब्बों को साफ कर दिया। ममता की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाने के लिए मोहित और ममता के परिजन साथ साथ थाने पहुंचे थे। पुलिस ने मामले की जांच करते दौरान ये महसूस किया कि मोहित कुछ छिपा रहा है। एसपी ने बताया कि उन्होंने पहले मोहित की बात पर यकीन किया और उसके साथ तलाश शुरू की, लेकिन बीच में ही उन्हें शक हुआ कि मोहित कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इसलिए मोहित से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सच उगल दिया। पुलिस के मुताबिक मोहित पिछले कई सालों से ममता के साथ काम कर रहा था। वह ड्राइविंग भी करता था और प्रोग्राम में गाना भी गाता था। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था, जिसके चलते अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। रविवार 14 जनवरी को ममता का गोहाना में एक प्रोग्राम था। वह मोहित के साथ कलानोर से कार में निकली थी और रास्ते में ही दोनों का झगड़ा हो गया। मोहित ने चाकू से ममता की गर्दन पर 4 बार किए, जिसकी वजह से ममता की वहीं मौत हो गई। यह घटना कलानोर मोड़ की है। सबको ठिकाने पर लगाने के लिए उसने अपने दोस्त संदीप को भी घटनास्थल पर बुला लिया। मोहित ने संदीप को किसी तरह से शव को कहीं फेंकने के लिए मनाया। इसके बाद दोनों शव को लेकर रोहतक के बनियानी में पहुंचे और गन्ने के खेत में शव फेंक दिया। शव को ठिकाने पर लगाने के बाद उन दोनों ने गाड़ी को धोया और खून के धब्बे साफ किए। इसके बाद मोहित फिर ममता के घर पहुंचे और उसके बेटे भरत को एक कहानी सुना दी और 2 दिन तक ममता के परिवार के साथ वो ममता को ढूंढवाने का नाटक करता रहा और पुलिस में भी FIR दर्ज करवाई। वारदात के बाद ममता का ATM, 7,000 रुपये और मोबाइल गायब थे। पुलिस ने आरोपियों से इन सबको बरामद कर लिया है। दोस्तों, मोहित ने ममता के परिवार को एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी इस तरह थी, हम जैसे ही लहरी गांव में पहुंचे तो एक कार ने उनको रुकने का इशारा किया। कार से 2 युवक उतरे, ममता उनसे बात करने लगी। ममता ने फिर मोहित से कहा कि वो युवकों को जानती है और उसके साथ अपनी सहेली के घर जा रही। ममता ने उससे कहा था कि 30 मिनट बाद रोहतक के पुराने बस स्टैंड पर वो उससे मिले, लेकिन फिर ममता नहीं लौटी। मैं अपनी गाड़ी लेकर रोहतक बस स्टैंड पर इंतजार करता रहा। जब 1 घंटे बाद भी मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पाया तो उसके बाद वो ममता के परिवार में आया और उनको सूचना दी। दोस्तों, यह चौथा मौका है जब हरियाणा में किसी उभरती हुई महिला कलाकार की हत्या कर दी गई हो। गौरतलब है कि इससे पहले 3 चर्चित मामले सामने आए हैं जब कलाकारों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। पहले मामले में हरियाणवी गायिका पाशी नैयर, बीनू चौधरी और हाल ही में हुआ हर्षित दैया की हत्या का मामला भी ऐसा ही था। स्पेशल खबर में दोस्तों इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।